बिहार के मुजफ्फरपुर के कथैया थाना की हालत जर्जर बनी हुई है। आपको बता दें कि थाने की छतें खपरेल की बनी हुई हैं। आंधी तूफान आते ही छतें हिलने लगती हैं। बारिश होते ही थाने के सभी रूमों में पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने बताया कि जब बारिश होती है तो हथियार छोड़कर पानी गिरने वाले स्थान पर बाल्टी लगाना पड़ता है ताकि कागजात सुरक्षित रहें। थाना की सीलन भरी दीवार कभी भी गिर सकती है। थाने में तैनात सभी अधिकारी और जवान जिंदगी और मौत के बीच ड्यूटी करते हैं। बिहार सरकार एक तरफ विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है तो दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर के कई थानों की हालात पूरी तरह जर्जर अवस्था में जूझ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरोराज, कथैया, साहेबगंज समेत कई थानों की हालात इतनी खराब हो गई है कि थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करना पड़ रहा है। आए दिन सरकार गांव घर में शौचालय बांटने का काम कर रही है और उनकी नज़र अपने प्रशासनिक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को रहने वाली भवन पर आज तक नहीं जा पाई। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के एक कथैया थाना की, जहां हम अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कथैया थाने के दृश्य किस तरह है। इसकी बिल्डिंग के हालात पूरी तरह जर्जर होती जा रही है। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करना पड़ता है। हल्की बूंदाबांदी में यहाँ की कागजात भीजकर नष्ट होने लगती है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी का कहना है कि दूसरी तरफ थाने की बिल्डिंग की भवन की निर्माण कराई जा रही है। शुरुआत हुए 3 वर्ष हो गई है और अब तक विभाग इस बिल्डिंग की निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाई है। देखना यह बहुत लाजमी होगा कि क्या वर्ष 2019 में विभाग नई बिल्डिंग की निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर इस पुलिसकर्मी की जान को जोखिम से निकालने का काम कर पाती है या नहीं। मुजफ्फरपुर से लाइव 24 के लिए विकास कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।